गाइस, तो इस वीडियो के लिए मेरे पास इतने सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई आप फिटर के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर गुजरात में ऐसे फिटर का काम हमको करना हो अभी के टाइम पे तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है अभी के टाइम पे, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने बेसिकली इसकी ITI कोर्स की हुई है जो कि बेसिकली 2 साल का कोर्स होता है, और कुछ लोगों ने फ्रेशर के तौर पर ये काम सीखा भी हुआ है। ठीक है, तो वही पूछ रहे थे भाई कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है जब फ्रेशर, या फिर अगर हमको 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिटर में फिर हम कैसे काम कर सकते हैं। फिटर में भी बेसिकली क्या काम होता है, बेसिकली मशीन फिटिंग हो गया, पाइप फिटिंग हो गया, बस यही नॉर्मल सारे फिटिंग वर्क होते हैं। और ये काम करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट में ये जरूरत है कि आपको बेसिकली 1 से 2 ईयर का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लेना। एक्सपीरियंस भी होता है कि सैलरी मिलने में, जिस सैलरी ज़्यादा मिलती है और जॉब मिलने में भी दिक्कत नहीं होती है, बंदे को लगता है भाई एक्सपीरियंस है इसके पास तो जॉब मिल जाती है आराम से और सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो ये ध्यान देना, एक्सपीरियंस जरूर ले लेना। इसके लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जितनी पढ़ाई की आपने उसकी कॉपी, ठीक है, आपका जो एज लिमिट होना चाहिए एबव 18 के बाद भी काम कर सकते हो, एज ए फिटर हेल्पर भी काम कर सकते हो। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर आपने कोर्सेज नहीं किए हो तो काम सीख भी सकते हो हेल्पर के तौर पे, काफ़ी सारी कंपनीज ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए मेरे को बेस्ट तरीका लगता है, तो कई सारी ऑनलाइन वैकेंसीज निकलती रहती हैं पर लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है, तो मेरे को वेबसाइट जो लगता है लिंक्डइन हो गया, Indeed.com हो गया, मेरे को बेस्ट लगता है, इससे आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाता है, अचार का नंबर, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, ऐसे ही बता रहा हूँ, ये मत करना प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अचार का नंबर मिल जाता है, सारी लोकेशन डिटेल मिल जाती है, सारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, मेरे को बेस्ट लगता है। Indeed.com हो गया, लिंक्डइन हो गया। सैलरी की बात करें तो देखो, फ्रेशर अगर आप हो तो आपको 14 से 15 हज़ार रुपये मैक्सिमम मिलते हैं, मिनिमम 12 हज़ार रुपये तक। अगर आपको एक्सपीरियंस है 1 से 2 ईयर का अच्छा खासा तो 18 से 20 हज़ार रुपये तक भी मंथली मिलते हैं, तो इसमें डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर ही। तो हैव नाइस डे, लोग कोई डाउट कमेंट करो, बाय बाय।